नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणम नमस्कृत्या नरम च नरोत्तम देवी सरस्वती ततो जया मुदीर नष्टाशुअ्रेश नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती शांति 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 जय गोपाल आइए सत्संग प्रेमी जनों श्रीमद भागवत गीता के सत्संग समारोह में आपका हार्दिक अभिनंदन श्रीमद गीता के 18वें अध्याय में भगवान अर्जुन को उपदेश करते हैं तीन गुणों के विषय विशे में विशेष रूप से बोल रहे हैं कर्मों के विषय में भगवान ने बतलाया है कि हे अर्जुन कर्म के बिना कैसे तेरा निर्वाह होगा कर्म तो करना पड़ेगा कर्मों को कभी त्यागना नहीं चाहिए लेकिन कर्म कर्मों के फल को जो त्यागता है और बुरे विचारों का भी त्याग करता है वो त्याग सात्विक त्याग है इस विषय में पिछले सत्संग में कहा सत्संग किया था श्लोक नौ है अठारवे अध्याय में कार्य यत्कर्म नियतम क्रियते अर्जुना संगम त्यक्त फलम च्याग सात्विको मता अपन कर्म करते हैं और उस कर्म का फल तो आता ही है चाहे हम आम का या गेहूं का खेत में गेहूं पैदा करते हैं आम का पेड़ खड़ा करते हैं सींचते हैं आम आते हैं फल आता है या कोई और कर्म करते हैं जिससे फल आता है कोई जॉब करते हैं वेतन आता है फल है या कोई इंडस्ट्री फैक्ट्री चलाते हैं तो उसका प्रॉफिट आता है फल आता है करेक्ट तो फल का त्याग कर देंगे भगवान कह रहे फल का त्याग कर देना चाहिए यह सात्विक त्याग है सात्विक त्याग है त्याग के विषय में बतला रहे हैं। तीन प्रकार का त्याग है सात्विक त्याग को समझ लीजिए तो बाकी रजोगुणी तमोगुणी त्याग तो समझ ही जाएंगे आप वो पहले बतला दिए हैं कर्म करना चाहिए कर्म को त्यागना नहीं चाहिए लेकिन कर्म के फल को त्याग देना चाहिए तो मतलब कर्म करें आप सोचेंगे कर्म करें मेहनत करें कड़ी मेहनत करें और उसका फल आए उसको त्याग दे ये कहां का न्याय हुआ नहीं भगवान कहते हैं कि वो फल जो आएगा उस पर आप अपना आधिपत्य मत जमाइए आप उसके मालिक मत बनिए क्योंकि वास्तव में आप किसी भी चीज के मालिक नहीं है सबके मालिक तो प्रभु एक ही है राम भगवान है ये सारी पृथ्वी वसुंधरा उनकी प्रॉपर्टी है हमारी नहीं हम समझ लेते हैं अहंकारवश कि नहीं ये मेरा है ये मेरा है ये अहंकार भाव जो है ये भगवान से दूर ले जाता है फल का त्याग का मतलब है कि आप जो आपके घर में फल आया या आपका जो खजाना है तिजोरी है या जो भी प्रॉपर्टी है उसके प्रोपराइटर मत बनिए आप उसके मैनेजर बनिए प्रोपराइटर भगवान को रहने दीजिए ये समझदारी है सात्विक पुरुष की कि ये जितना भी मेरे पास धन है इसके मालिक भगवान है ये संपदा भगवान की है यहाँ तक भी जो ज्ञानी पुरुष है वो जानते हैं कि ये बाल बच्चे ये सब प्रभु के मेरा क्या है कहते हैं सच्चे हृदय से कहते हैं बुजुर्ग पुराने लोगों के संपर्क में आइए कितने बाल बच्चे हैं आपके जी बोले मेरा क्या है जी ऐसे चार छह हैं लेकिन मेरा क्या है उस प्रभु के हैं उसकी फुलवारी है ये ये फल का त्याग है फल मिला आपको चार पुत्र मिले दो पुत्रियां मिली ये फल मिला दाम्पत्य जीवन का लेकिन आपने इस पर अपना अधिकार नहीं जमाया कि मेरे चार बेटे हैं जी बड़े बलिष्ठ हैं बड़े होनहार हैं जी नहीं आपने कहा हम्बल हृदय से नम्र हृदय से कि ये सब प्रभु की फुलवारी है उनकी देन है उन्होंने दिए चार पुत्र हैं चार पुत्रियां हैं सब उनके हैं हमारा क्या है इसमें बोलो बड़ा आलीशान बंगला बनाया है जी बोलो सब प्रभु की कृपा है उन्हीं का है हमारा क्या है हम रह रहे हैं इसके अंदर उन्होंने रखा है हमें यहां पर उनकी प्रॉपर्टी है बड़ा धन है आपके पास सब उसका है मेरा कुछ नहीं है जी आपकी भावना यह होनी चाहिए कि मैं उसका भगवान का दास हूं उनके दासों का दास हूं मैं इस प्रॉपर्टी का इस धन का इस खजाने का मैनेजर हूं इस फल का जो फल आया मेरी फैक्ट्री का कर्म का जॉब का इसका मैं एक मैनेजर हूं इसको संभाल के रखना व्यवस्थित रखना और किस तरह से खर्च करना है शुद्ध कार्यों में इसको खर्च करना जिन कार्यों के करने से प्रभु प्रसन्न होते हो ऐसे कार्य करना तो आप संसार में लिप्त नहीं होंगे आपकी भावना उज्जवल होगी और प्रभु को प्रसन्न करेंगे प्रभु की सेवा में लगाएंगे प्रभु की सेवा क्या है यज्ञ दान तप, कर्म त्याज्यम कार्यम य इनको कर्म करते हुए करना चाहिए कभी त्यागना नहीं चाहिए यज्ञ यानी जो सबको लाभान्वित करते हो पशु पक्षियों को भी सभी मनुष्य जाति को लाभ पहुंचाते हो ऐसे यज्ञ अपनी कैपेसिटी से करना सबको खुश करने का प्रयत्न करना जो आपके पास बहुदायत में है भगवान की समझ के प्रॉपर्टी को और भगवान प्रेरणा दे ऐसे उनको व्यवस्थित करना शुद्ध कार्यों में लगाना अंधों के इलाज के लिए अस्पताल बनाना असली आंख तो खुलती है शुद्ध स्थानों में ध्यान केंद्रों में भक्ति केंद्रों में आश्रमों में अस्पतालों में लगाना शुद्ध कार्यों में लगाना शराब पी के बर्बाद नहीं करना जुआ खेल के नहीं गवा देना वेश्यालय में जाके नहीं गवा देना या किसी को इधर से उधर किसी को खत्म करवाने के लिए उसको नहीं सुपारी दे देना किसी को किलो भैया दस लाख रुपए मार डालो साले मेरा दुश्मन है नहीं शुद्ध कार्यों में लगाना भगवान प्रेरणा देंगे आपको ये मेरा पैसा है इसको इससे ये कार्य करो मैं प्रसन्न होऊंगा। आपका हृदय कहेगा हृदय में बैठे हुए परमात्मा उपद्रष्टा अनुमंता, वो सबसे बड़े सलाहकार हैं वो आपको सलाह देंगे प्रेरणा देंगे फल का त्याग कर्म का त्याग नहीं कर्म तो करना चाहिए फल का त्याग कर देना चाहिए ये सात्विक त्याग है त्याग की परिभाषा भगवान ने बतलाई रजोगुणी त्याग कर्म का त्याग करते हैं दुख समझ करके ये रजोगुणी त्याग है काय कलेश भया जो भय के कारण काय कलेश शरीर को कष्ट होगा ऐसे सोच करके कर्म का त्याग कर देते हैं लोग ये रजोगुणी त्याग है इस त्याग के लिए भगवान ने श्रेष्ठ नहीं बोला सकृत्म त्याग नए त्याग फलम लभित इस त्याग का फल भी नहीं मिलता ऐसे त्याग का कि नहीं नहीं करुणा ऐसे तमोगुणी त्याग है, मोह के कारण, के कारण त्याग कर देता है आदमी किसी भी वस्तु का तो ये त्याग की परिभाषा दी सतोगुणी त्याग को भगवान ने श्रेष्ठ कहा नए दुशलम कर्म कुशले न त्यागी सत्वम समाविष्ट त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय मेधावी यानी बुद्धिमान व्यक्ति कर्म कैसा भी हो कर्म कर्म है करना चाहिए अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो लोग कहते हैं कि बुरा कर्म है क्या ये झाड़ू मारते हो शर्म नहीं करनी चाहिए कर्म करने में शर्म नहीं करनी चाहिए आपने सुना भी होगा कर्म कर्म है कर्म करना चाहिए जब जैसी परिस्थिति आ जाए और जब जैसा काम करना पड़ जाए करना चाहिए हृदय से हंसते हंसते ये भगवान कह रहे हैं न द्वेष्टम ए कुलम कर्म कभी कभी ऐसे कर्म भी आदमी को करने पड़ते हैं जो नहीं करने चाहिए जो करने योग्य नहीं है फिर भी समय मजबूर कर देता है तो उनको करना चाहिए वो भी हंसते हुए हृदय से न द्वेष्टम न द्वेष्ट है कुशलम कर्म कुशले न अनुसजते और कुशल कर्म को जैसे करते हैं ऐसे ही अकुशल कर्म को भी करना चाहिए हंसते हुए कुशल ये ऐसे अटैचमेंट नहीं मोहित नहीं होना चाहिए नहीं जी मैं तो ये काम नहीं करूँगा मुझे तो ऊंचा काम करना है मुझसे क्यों ये काम करवाते हो नहीं संतों को देखिए महात्माओं को देखिए वो अपने आश्रम की झाड़ू अपने हाथ से मारते हैं अपने बर्तनों को साफ करते हैं बड़े बड़े महात्मा दूसरों के बर्तनों को उठा के साफ करते हैं शर्म नहीं करते उस विषय में कर्म करना चाहिए कर्म में शर्म कैसी कर्म में लाज कैसी चोरी करने में लाज आनी चाहिए बुरे कर्म करने में यानी चोरी डाका बेईमानी इनमें शर्म आनी चाहिए कर्म करने में कैसे शर्म कर्म कर्म है चाहे वो झाड़ू मारने का कर्म हो या जूते गांठने का कर्म हो या केले बेचने का कर्म हो या कलम पकड़ के कर्म करने का कर्म हो जैसा कर्म विधि ने दे दिया है हक में वैसा करना चाहिए प्रसन्न हृदय से त्यागी समाविष्ट सम त्व समाविष्टो मेधावी मेधाविचिन्न संशय भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि द इंटेलिजेंट अनाउंसर सिचुएटेड इन द मोड ऑफ गुडनेस नीदर हेटफुल ऑफ इन हेटफुलस वर्क नॉर टू वर्क हैज नो डाउट्स अबाउट वर्क सत्व में समाविष्ट जो सत् में है मोड मोड ऑफ मैच मोड ऑफ गुडनेस जो सतोगुण में त्याग जो होता है वो त्यागी कर्म का त्याग नहीं करता कर्म फल का त्याग करता है और कर्म कैसा भी हो उसका त्याग नहीं करता चाहे वो छोटा कर्म हो या बड़ा कर्म हो उसको खुशी खुशी करता है यानी छोटे कर्म से नफरत करता है और बड़े कर्म से अटैच हो गया है कि नहीं मैं तो यही करूंगा जी नहीं जो मिले समय के अनुसार उस कर्म को करता है यह सतोगुणी त्याग है वो संचालन करते हैं उसके जीवन को जिंदगी भर वही कर्म करवाते हैं वही प्रेरणा देते हैं उपद्रष्टा अनुमंता भरता भोगता महेश्वरा वही महाईश्वर उपद्रष्टा है वो आपके प्रत्येक कर्म को देखते हैं बारीकी से आपके विचारों को भी जानते हैं छोटे से छोटे विचार को परमात्मा जान जाता है कि आप क्या विचार कर रहे हैं और उसका जान ही नहीं जाते उसका प्रतिफल देते हैं उपद्रष्टा इसलिए उनको उपद्रष्टा कहा है वो तमाम जीवों के उपद्रष्टा है अनुमंता सलाहकार भी वो है आप सलाह लें उनसे तो उनसे बड़ा सलाहकार कोई नहीं है उपद्रष्टा अनुमंता भरता वही आपका भरण पोषण करते हैं भोगता और वही आपके माध्यम से भोग करते हैं महेश्वरा वो महाईश्वर उनको कहा है परमात्मा परम आत्मा आप परमात्मा नहीं आप आत्मा है परमात्मे थी चाप युक्त तो उनको परमात्मा कह के बुलाया जाता है परमात्मेती चाप युक्तो देहे अस्मिन पर पुरुषा पर प्रत्येक देहे के अंदर वो परम पुरुष विराजमान है तो आपके कर्मों को भी देख रहे हैं तो प्रॉपर्टी ये शरीर आपका हुआ या उस परमात्मा का जो इसके अंदर बैठे है? नहीं आपके पास जितना भी है उसको अपनी दौलत ने मान के परमात्मा की दौलत मानी है। उसको अपनी प्रॉपर्टी ना मान के परमात्मा की प्रॉपराइटर तो वही है आप नहीं है।, ये पूरी उनकी है आपकी नहीं है इस पर अन्न पैदा हो रहा है या गेहूं पैदा हो रहे हैं चावल पैदा हो रहे हैं या बारिश बरस रही है सब भगवान की है उनकी कृपा से हम गुजारा करते हैं तो प्रोपराइटर उनको रहने दीजिए आप मत बनिए मालिक वो है इस भाव से जीवन को जियो कि ये सारी संपदा उस प्रभु की है मेरी नहीं और वो जैसे जैसे प्रेरणा देंगे मैं इसको खर्च करूंगा तो परमात्मा आपको कभी प्रेरणा नहीं देंगे कि इसको आप फिजूल खर्च कीजिए इंद्रिय तृप्ति में लुटाइए परमात्मा आपको सलाह देंगे कि ये मेरी प्रॉपर्टी शुद्ध जगहों पर काम आनी चाहिए गलत जगह पर नहीं तभी हमारा कल्याण हो सकता है वरना नहीं और इसलिए भगवान ने कहा है कि इसको श्रेष्ठ त्याग कहा है जो फल के त्याग करता है कर्म का त्याग करता है वो, वो उसको मान्यता नहीं दी भगवान ने बोलो कर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए कर्म तो करना ही चाहिए चाहे छोटा कर्म हो या बड़ा कर्म हो कैसा भी कर्म हो कर्म तो अवश्य करनी चाहिए लेकिन कर्म का जो फल आता है उसका त्याग नहीं करना चाहिए कर्म के फल का त्याग करना चाहिए कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए कर्म फल का त्याग करना चाहिए और कर्म फल का त्याग क्या है उसके ऊपर अपनी मालकियत नहीं जमानी चाहिए यही कर्म फल का त्याग है और तो कैसे त्याग करोगे तो नहीं भाई तीस दिन आपने कड़ी मेहनत की और तीस दिन के बाद जो वेतन मिला आपको मिला तनख्वा मिली उसको आपने वहीं छोड़ दिया या मना कर दिया कि नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए मैं तो त्यागी हूं मैं तो नहीं चाह मुझे वेतन नहीं फिर क्या खाओगे कहां से कपड़े पहनोगे कहां से अपने नन्ने नन्ने बच्चों को दूध पिलाओगे नहीं मालकियत का त्याग कर दीजिए और उस पैसे को उस कमाई को उन कर्मों में व्यय कीजिए जिन कर्मों से प्रभु प्रसन्न होते हो यह समझ के कि ये उस प्रभु की ही देन है और उसकी ही सेवा में जानी चाहिए ये त्याग ये फल का त्याग है और ये श्रेष्ठ त्याग कहा है भगवान ने समझ गए होंगे आप समझ गए तो बड़ी कृपा है त्याग की बात हो रही है पकड़ के बैठने की नहीं लोभ की नहीं यज्ञ दान तप है पावर पावनानी मनीषी ये मनीषियों को महापुरुषों को भी पवित्र करते हैं फिर हमको क्यों नहीं करेंगे मेरे जैसे अशुद्ध व्यक्ति को अवश्य ये करते रहना चाहिए नैत्याज्यम यज्ञ दान तप है कर्म नै कार्यम ये तत् इनको तो कार्य समझ के परम कर्तव्य समझ के करना चाहिए अपनी ड्यूटी समझ के करना चाहिए कि ये मेरी ड्यूटी है मैं इस मनुष्य योनि में आया हूं मेरा कर्तव्य है कि मैं यज्ञ करूं दान करूं और तप करूं अगर ये नहीं करते तो आप कुछ भी करते हो सब व्यर्थ है या दुख के का दुख के ही उद्गम स्थान हैं बनेंगे यदि ये तीनों को नहीं करते तो सुख ही नहीं मिल सकता सुखी नहीं हो सकता व्यक्ति फिर भगवान से मिलना या जन्म मरण जरा व्याधि इनसे छुटकारा पाना वो तो बहुत दूर रह जाएगा यज्ञ दान तपह कर्म नैत्याज्यम कार्यम एवं यज्ञो दानम तपस्य पावना मनीषिणाम ये पवित्र करते हैं आपकी भावना को निखारते हैं शुद्ध करते हैं और जितनी जिसकी भावना शुद्ध है उतना ही वो सुखी और आनंदित है उतना ही भगवान के करीब है उतना ही उजाले में है जिसकी भावना जितनी गंदी है उतना ही अंधकार में उतना ही प्रभु से दूर है उतना ही दुखी है अनिष्टम इष्टम मिश्रम